पिछले 3-4 सालों से इंडिया में ग्रेजुएट यंगस्टर ने अपने फूड स्टॉल खोल लिए हैं। आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा इन ग्रेजुएट लोगों को सड़क के किनारे अपने फूड सेल करते हुए, जिसमें MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी वाली, BTech चाय वाली और BCom इडली सांभर वाला मोस्ट पॉपुलर है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि इंडिया में यंगस्टर जो है ग्रेजुएट होते हुए भी सड़क के किनारे खाना बेचते हैं? क्या इंडिया में ग्रेजुएट लोगों के लिए जॉब्स खत्म हो गई हैं? देखिए, जितना सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। स्ट्रीट फूड, जिसका नाम सुनते ही सब लोगों के मन में सबसे पहले ये आता है कि सड़क के किनारे कोई आदमी खड़ा होकर खाने का सामान बेच रहा हो। हाँ, ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि अनएजुकेटेड लोग और मजदूर इंसान सड़क के किनारे खाना बेच रहे हैं, लेकिन डिग्री होल्डर, खासकर BTech MBA कर चुके यंगस्टर्स भी सड़क के किनारे खाना बेच रहे हैं, ये सुनकर थोड़ा सा अजीब तो लगता है। इंडिया में अराउंड 50 लाख स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जिसमें से 9000 से ज़्यादा लोगों ने फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो ज्वाइन किया है। इंडिया में लोग हेल्दी खाना खाने से ज़्यादा स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो फास्ट फूड इंडिया में पहले से ही था, लेकिन 1996 में मैकडोनल्ड्स के आ जाने के बाद स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड और ज़्यादा फेमस हुआ है इंडिया में, जिसके बाद इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज आना स्टार्ट हो गई। पिज्जा हट, डोमिनोज, KFC और भी काफ़ी सारी कंपनीज धीरे धीरे भारत में आती जा रही हैं। आप देखोगे कि इंडिया में जो फास्ट फूड है वो लोगों की डेली लाइफ का एक रूटीन बन चुका है। अगर इंडिया में और लोगों की लाइफ में फास्ट फूड ना हो तो खाने का स्वाद कम हो जाएगा। पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो सिर्फ अपना नाम और जो चीज़ बेच रहे हैं उसका नाम ही लिखवाते थे, लेकिन अब इंडिया में यंगस्टर्स जो हैं अपनी डिग्री से अपनी दुकान का नाम रख रहे हैं। इसके पीछे 3 बड़ी वजह हो सकती है जिसके कारण इंडिया में जो पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं वो ये सब काम कर रहे हैं। पहला है अपनी खुद की एक यूनिक इमेज बनाना। अब दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसकी एक अच्छी इमेज बने और उसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है। अब जब इन सबसे यही एक सवाल पूछा जाता है कि उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उन सब का एक ही आंसर होता है कि उनको अपनी एक यूनिक इमेज बनानी थी। और ये मेरे मुंह से निकलता ना कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है। कुछ भी करो ना लाइफ में, ऐसा करो कि तुम जैसा कोई ना। लेकिन ये यूनिक इमेज तो पढ़ाई लिखाई कर भी बन सकती थी, तो फिर डिग्री लेने का क्या फायदा अगर यही काम करना था तो। इसको हम समझ सकते हैं अपने दूसरे कारण में, जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बात तो सच है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा ग्रेजुएट लोग जॉबलेस हैं, जिनमें MBA और BTech कर चुके स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। LFS रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 15 साल से ऊपर के 17.2% ग्रेजुएट लोग जॉबलेस हैं। हालांकि ये स्टैट्स 2019 और 20 में घटकर 15.5% और 14.9% रह गए हैं। अब सारी गलती सरकार की और यूनिवर्सिटीज़ की तो नहीं है, डिग्री होना एक अलग बात है और कुछ स्किल होना एक अलग बात है। अब जिसके पास सिर्फ एक डिग्री है और कोई स्किल नहीं है, उसको जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंदर एक ऐसी स्किल को डेवलप करना चाहिए ताकि जॉब ना मिले तब भी आप लोग और हम लोग कोई ना कोई काम जरूर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने तीसरे कारण की ओर, जो कि है स्ट्रीट फूड मार्केट इन इंडिया। इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ पर लोग हेल्दी फूड को कम खाते हैं और स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड को ज़्यादा खाते हैं। इसलिए इंडिया में स्ट्रीट फूड का डेली रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए है, यानी साल का 2,92,000 करोड़ रुपए है। अब जहाँ इतना प्रॉफिट हो तो लोग वही काम करना क्यों नहीं पसंद करेंगे। वैसे भी स्ट्रीट फूड का बिजनेस करना बाकी बिजनेस करने से कम खर्चीला और काफ़ी आसान होता है, और इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इंडिया में एक आम स्टॉल लगाने वाला आदमी भी महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता है। लेकिन आप लोग ही बताइए, अगर उनको पहले से स्ट्रीट फूड बेचना होता है तो पढ़ाई लिखाई करके अपने और अपने माँ बाप के पैसे क्यों बर्बाद किए? उन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करते ताकि और भी अच्छा बिजनेस होता। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस स्ट्रीट फूड क्या है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग हमारी वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि हम ग्रो कर सकें। तब के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।